पृथ्वी। हैप्पी होली। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे अभी तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये लूथरा हाउस है, खुराना हाउस या मल्होत्रा हाउस नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? कहीं के नहीं रहेंगे हम, पुलिस वाले खेलेंगे होली हमारे साथ, वो भी पिचकारी के साथ नहीं, लाठी के साथ। लठमार होली के बारे में सुना है ना? सुना है। और तुम्हें पता है क्या? I don't care. कोई देखता है तो देख ले, ये शादी तो वो कर रहे। हैप्पी होली राहुल जी, लगाइए लगाइए। अरे ये माता रानी का टीका लगा के थोड़ी होली मनाई जाती है। होली मनाने का तरीका ये है। अरे इधर कहाँ जाएंगे होली खेलने? अरे अरे सुनिए ना, आपका ध्यान किधर है? वो मैं होली खेल रहा था। हीरोइन तो किधर है? कमाल करते हो आप भी। पार्टी में आपकी कोई गर्लफ्रेंड आई है इसलिए आपको इतना डर लग रहा है? नाटी नाटी। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? आपने भांग पिए क्या? भांग? लगती तो भंग जैसी है। चाचा शिव शंकर, मुझसे शादी कीजिए ना। शादी? राज जी, शादी तो हमारी हो चुकी है ना। तो क्या हुआ, फिर से नहीं कर सकते क्या? लोग तो बार बार हर साल करते हैं, तो तुम दूसरी बार नहीं कर सकते? जनानी को लेके कहाँ जा रहे? अरे मेरी जनानी है, मैं लेके जा रहा हूँ, अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ। कमरे में? आ जाओ मेरी गड्डी में बैठ जाओ, मेरी कार में। आपके पास स्कूटी थी ना? हाँ, वो मैंने बेच दी और टूट गई थी। मेरे पास पैसा आ गया ना, तो मैंने ये नवी गड्डी ली है, बड़ी सी। आ जाओ लिफ्ट लो मेरे से। आओ ले ली, लिफ्ट ले ली, चलाओ जी, चलाओ चलो जी, आप बैठो जी, चलो। साइड और दड़ियल और साइड। तुमने बुलाया? नहीं बुलाया तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हें क्या मजा आता है मुझे इस तरह सताने में? पहले मुझे बोला कि तुमने बुलाया, यहाँ आकर तुम कह रहे हो कि नहीं बुलाया। अजीब बात है, आ गया मजा तुम्हें? मैं कब से बोली जा रही हूँ, और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? आज होली का दिन है, इतने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बाहर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो तुम भी चलो, चलो तुम जाओ यार, मुझे परेशान मत करो। ओ, तुमने ड्रिंक की हुई है? अपनी ड्रिंक्स अपनी गर्लफ्रेंड हैंडल कर सकता है। गर्लफ्रेंड? शर्म करो कुछ, नशे में झूल रहे हो, लेकिन गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचना बंद नहीं करो। क्यों नहीं सोच सकता यार? सोच तो सकता हूँ ना, एटलीस्ट मेरी सबसे बड़ी फैंस है वो यार, सबसे बड़ी फैंस। तुमसे बड़ी नहीं, मेरी सबसे बड़ी फैन करण लूथरा मुसीबत में प्रीता और हाज है। क्योंकि मैं तुम्हारी फैन नहीं,
तुम्हारी फ्रेंड गर्लफ्रेंड मैं क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड होंगी? क्योंकि ओ संभाल के करण लूथरा अपने ड्रिंक्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स तो संभाल सकता है फिर क्या वो मुझे है? लेकिन जैसा मैंने कहा कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो वैसे तुम तो बहाने ढूंढती हो मेरे पास आने के। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं बहाने ढूंढती हूँ और हाँ हाँ पागल हो गई हूँ। तुमने मुझे पागल किया हुआ है और इस तरह से मेरे साथ ये फ्लर्टेशियस टॉक्स मत किया कर। I don't like people who flirt like this. समझे? Oh my God! तुम मेरा दुपट्टा छोड़ो। करण दुपट्टा छोड़ दे, प्लीज मैं थप्पड़ मारूंगी तुम। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? इधर उड़ो। तुमने मुझे अरेस्ट करवाया। उसके बाद भी मेरे घर में खड़ी हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ। But strange ना? तुम्हें अरेस्ट इसलिए करवाया था कि तुम किसी लड़की के साथ मिसबिहेव कर। जिस लड़की ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी फिर भी तुम मेरे घर में खड़ी हो। बाय। देखो तुम पहले तो तुम दूर दूर हटो। तुमने पी हुई है, तुम्हें होश नहीं है। मेरा दुपट्टा छोड़ो, मैं सच कह रही हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगी। तुम मेरे घर में खड़ी हो पीता, मुझे अरेस्ट करवाया उसके बावजूद। बाय। क्योंकि मैं दादी की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और वैसे मुझे इस घर में ऋषभ जी लेकर आए दादी की फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे, वरना तुम तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में आऊँ। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में आओ, जैसा करता कि तुम इस घर में ना आओ, तो समझे। एक्चुअली तुम इस घर में हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में आओ। पता है मैं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते तुम। तुम इस घर में ना आओ ऐसा मैं चाहता था, फिर तुम इस घर में आओ ऐसा मैं चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था। सुन के अजीब लगा ना? एक्चुअली अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में आओ। एक बात और है जो मैं अभी इसी को कहना चाहता हूँ तुमसे। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल द दुपट्टास ऑफ योर्स जिन्हें मैंने फाड़ दिया। डोंट वरी, मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई हुई। जितने दुपट्टे मेरे तुमने फाड़े हैं तुम्हीं से सिलवाऊंगी। आई लाइक दिस माइंड बीटा। क्यों? क्या होता है तुम्हें नहीं पता? चांद है तू, दिल जलासा। नहीं, क्यों होता है? क्योंकि के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं तब बोलता हूँ। मैं तुम थ्री तक काउंट करो, मैं बात बोल दूंगा जो शायद मैं फिर पूरी लाइफ नहीं बोल पाऊंगा। तुम उधर टर्न करो, मैं भी बोल दूंगा। तुम पे
चलो चलो जल्दी चला लो। एक बात बतानी है, आज ना मेरी शादी हो रही है इनके साथ और आपको आना है, ठीक है? हम लोग चाहते हैं आप एक काम करो, आप ना मम्मी जी को ले। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और उनको भी यहाँ लेके आती हूँ। सृष्टि, तुम्हारी दादी जो पीती है लगता है वो ड्रिंक को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग। हाँ? मेरे दादू पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? मेरी दादी स्ट्रॉन्ग पीती है या करण सर ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाते? करण भाई अपनी ड्रिंक अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ हाँ, हैंडल करना जानते हैं ड्रिंक्स को भी और अपने गर्लफ्रेंड्स को भी। आंखों देखा हाल देख लिया ना तुमने, वो ना ही अपनी ड्रिंक हैंडल कर पाए और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड तृप्ता दिखो। सारे सपनों पे, सारे अरमानों पे, सारे प्लानों पे पानी फेर दिया। अरे सब कुछ ऐसे परोस के दिया था यार। करण सर भी रूम में थे, पिताजी को भी रूम में भेज दिया। इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया था मैंने। क्या हो जाता, क्या हो जाता अगर करण सर अपने दिल की बात पिताजी को बता देते? क्या हो जाता? लेकिन नहीं, टन हो गए, बेहोश हो गए और हमारे होश उड़ा दिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि करण भाई के दिल में पिताजी के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स है? बताओ क्या तुम्हारा टॉप फ्लोर खाली है क्या शॉर्टी? मतलब हमारे सामने इतनी सारी चीज होते रहती है, तुम्हें जरा भी फील नहीं हुआ ये? हाँ लगा तो। थैंक गॉड। अरे लगने से क्या होता है, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि करण भाई के दिल में प्रीता के लिए फीलिंग्स हैं? भाई ने तुम्हें बताया क्या? मेरे भाई मुझे ही नहीं बताया उन्होंने। रिलैक्स शॉर्टी, मुझे भी नहीं बताया है। अच्छा। लेकिन मेरे पास दिमाग है, दिल है, फीलिंग्स है और फीलिंग्स को देखने वाली नजरें भी है मेरे पास, इसलिए मुझे सब पता चल जाता है। कैसे? मैं सृष्टि अरोड़ा, मुझे सब पता चल जाता है। मतलब इंसान का चेहरा देख के पता लगा सकती हूँ कि इसके दिल में क्या चल रहा है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ जी के तुम्हें मेरा चेहरा देख के कभी कुछ पता चलता है? क्या? कुछ भी। हाय समीर। हाय तन्वी। हाउ आर यू? आई एम गुड। सॉरी सॉरी, वो मैं सुबह ही ना अपने फ्रेंड के घर चली गई, सोचा पहले वहाँ होली खेलूं फिर यहाँ आ जाऊंगी। सो सी, आई एम बैक। वाओ, मैं गया था तुम्हारे कमरे में तुम्हें ढूंढने के लिए लेकिन तुम आती ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। हैप्पी होली। हाँ, प्यार से हैप्पी होली, मेरे को भी लगाने दो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। लुक सो कलरफुल। सृष्टि तुम भी लगा दो यार। अरे सृष्टि यहाँ पे थी, कहाँ चली गई? राखी जी, आप ना जान कीजिए कि गाड़ी में बैठे बैठे थक गई होंगी, आप ना आराम करो, मैं ना कुछ काम निपटा के आता हूँ। आप यहाँ से कहीं जाना मत। गुड गर्ल। सुनिए ना। कहिए ना। मुझे शर्म आती है। फिर आप शर्मा लीजिए, मैं बाद में आता हूँ। सुनिए ना। कहिए ना। I love you. I love you too, राखी। आप ना बहुत ही स्वीट हो। सच्ची? मुच्ची। तो फिर आप शादी कर लेते हैं? शादी तो हमारी हो चुकी है ना। हम फिर से शादी नहीं कर सकते? आजमाया हुआ नुस्खा हूँ। सुंदर हूँ, सुशील हूँ, संस्कारी हूँ और टिकाऊ भी हूँ। ये तो प्रॉब्लम है। आप मेरा मतलब कहने का ये, राखी जी, कि वो आप सब कुछ हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन शादी करने की क्या जरूरत है राखी जी? मतलब शादी तो मतलब नहीं, आप सब कुछ अच्छा है, शादी क्यों? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अरे नहीं, वो बर्बाद हम नीचे उतरो ना। अरे मैंने क्या नीचे आ जा, नीचे आ जा पुत्र। नहीं जी नहीं, अब तो मैं ऊपर ही जाऊंगी, अपनी मंजिल पे जाऊंगी। मैं लुट गई, मैं पिट गई, मैं बर्बाद हो गई। कौन लुट गया?
मिट गया, बर्बाद हो गया, नीचे उतर जाओ ना। आपको आपको पता है इनका इनका चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं नहीं मम्मी झूठ झूठ बोल रही है। तू मेरी बहू को धोखा दे रहा है, चक्कर चल रहा तेरा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या खुदा का खौफ खाओ, भगवान से डरो, क्या बात? मम्मी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चक्कर चल रहा, इतना जोर का चल रहा है कि इनका चक्कर यहाँ आ गया, मेरे दिमाग में घूम रहा है चक्कर। भगवान से डर, भगवान से डर, क्या बात कर रही है, झूठ बोल रही है मम्मी। महेश जी आप ऐसे कैसे कर सकते, आप चक्कर कैसे चला सकते? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं मुझे आपकी बात, महेश हम तेरी बात कोई नहीं सुनेंगे। हमारी इतनी प्यारी सुंदर सुशील बहू और तू उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, पक्का बदमाश। मोटी बॉय हां बैड बॉय। काहे का बैड बॉय, मेरी बात तो सुनो। नहीं क्यों सुने हम आपकी, क्या बैड मैन मम्मी सब कुछ जुड़ा मैं, कम से कम आप तो मेरी बात सुनो यार। क्या कह रहे हो मतलब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, गलत बोल रही है। बहुत कुछ किया आपने, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं अभी आत्महत्या करूंगी। क्या कर रही है? प्लीज नहीं, मैं जी के क्या करूंगी? आत्महत्या मत कीजिए आप, इस बेईमान के लिए आप आत्महत्या कर रही हैं। अरे मैंने कोई बेईमानी नहीं किया। सुन तू भी चक्कर चला ले। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो, कैसी माँ हो मतलब, बहू को ऐसी गंदी शिक्षा दे रही हो? ए, ए, नीचे उतरो, ए, उतरो नीचे। मम्मी जी डांटा। अरे हाँ मैं 10 बार डांटूंगा, नीचे उतरो। तूने मेरे सामने ऐसे डांटा? हाँ तो डांट खाने वाले काम करके डांटूंगा ना। अब देख मैं कैसी सजा देती हूँ, तू देख। क्या सजा? हाँ दो 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 सजा। मैं अपने ड्रिंक्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स हैंडल कर सकता, देख लिया मैंने कितना हैंडल कर सकता है, खुद को तो हैंडल कर नहीं पाया। आखिर मुझे कमरे में बुलाया क्यों था? यही सब लड़ाई झगड़ा करना होगा और क्या। ये रही पृथ्वी की प्रीता जी। अरे होली में तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, फिर ये तो मेरी होने वाली पत्नी है। मुझसे ज्यादा और किसी का हक नहीं है इनके साथ होली खेलने का, क्यूट वाली नोकझोंक करने का, थोड़ी बहुत हद पार करने का। अगर मैंने प्रीता जी को कलर लगाया और इन्होंने मुझे फिर से थप्पड़ मार दिया तो सॉरी बोल दूंगा कि मैंने भांग पी है। सॉरी प्रीता जी। ये बहाना अच्छा है, क्योंकि प्रीता जी अच्छी है तो ये सुन के मुझे माफ भी कर देंगे, उनके गुस्से की गोली भी टल जाएगी और मेरी होली भी बन जाएगी। फैंटास्टिक। प्रीता जी कहाँ हो गई थी आप? हैप्पी होली पृथ्वी जी। हैप्पी होली टू यू टू। बस मतलब इतनी सूखी सूखी होली, प्रीता जी आज होली है, रंग शंग लगाना तो बनता है ना। पिताजी आप ना, आप मुझे अपने रंग में रख दीजिए, मेरा मतलब है होली के रंग में। ठीक है अब क्या कर रही है, तीखा लगा रही? प्रीता जी मंदिर थोड़ी ना, तीखा तो मैं मंदिर जाके भी लगवा सकता हूँ। अब मेरी होने वाली पत्नी है तो एक होने वाली पत्नी अपने होने वाले पति को कैसे रंग लगाएगी? ऐसे लगाइए।